हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं न्यू तुलसीचारा डिजाइन पार्ट 3। पिछले के वीडियो में हमने देखा कि तुलसीचारा का जुड़ाई कैसे करते हैं और उसका ऊपर का डिजाइन कैसे बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले घोला मारकर चारों तरफ को प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर करने के बाद ऊपर में पट्टी को रखकर उसमें मसाला मारेंगे और मसाला को ऐसे करने से तिरछा दबाते हुए ऊपर के हिस्से को दबाते हुए ही रखना है हमको, जिससे कि एक और स्टेप यहाँ पर बन जाए। उसके बाद इसे फिनिशिंग करने के लिए पहले चारों तरफ सीमेंट छिप देंगे। उसके बाद इसे ब्रश से पतला घोल लगा देंगे। उसके बाद इसमें फंटी चलाकर फिनिशिंग कर देंगे, जिससे कि हमारा तुलसीचारा और भी मजबूत और खूबसूरत दिखने लगता है। ये फर्मा कोनिया का फर्मा है, इसे कोनिया बोलते हैं। इसमें मसाला डालकर सीमेंट छिप कर इसको कोने में चिपकाएंगे। जहां पर भी इसको चिपकाना है वहां पर रखेंगे और करनी से हल्का हल्का ठोकेंगे। उसके बाद इसे आराम से निकालेंगे। ऐसा ही कोनिया हम चारों तरफ बना लेंगे। उसके बाद बना चारों तरफ बनाने के बाद फिर से इसको रखेंगे और थोड़ा और ठोकेंगे, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। सभी में एक एक बार फिर से रखेंगे। ये ओम का फर्मा है, ये भी मैंने वेल्डिंग दुकान से लिया है। इसमें भी पहले मसाला डालेंगे, फिर इसके ऊपर सीमेंट छिटेंगे। उसके बाद चारों तरफ से सेंटर निकालकर जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर इसे लगा देंगे और करनी से हल्का हल्का ठोकेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ भी चारों तरफ कोनिया करके लगा देने के बाद बीच में भी कोई भी डिजाइन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने ये सूर्य वाला डिजाइन दिया है, ये भी फर्मा का ही है। अब हम सामने के जो फूल है उसको बनाएंगे। पहले मसाला मारकर इसमें राउंडिंग फंटी रखकर उसको ऊपर को गोल कर लेंगे। फूला के आउटसाइड को राउंडिंग फंटी से थोड़ा थोड़ा खांस देंगे।
और ऊपर के जो सेंटर बीच के हिस्से हैं उसे करनी से खांस देंगे। उसके बाद जो ओभर मसाला मारे थे हम उसे पट्टी से काट लेंगे बराबर से। उसके बाद इसको भी सिमेंट कर ब्रश मार के फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद पाइप के टुकड़े से पाइप डिज़ाइन डाल देंगे। वो वीडियो मेरा से डिलीट हो गया इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊँगा। उसके बाद जो पाइप किए हैं उसमें ब्रश से घोल लगा देंगे और पाइप को पकड़कर एक बार फिर से फिनिशिंग कर लेंगे। फुला के राइट साइड मैंने ये कटोरी वाला डिज़ाइन भी डाल दिया है जिससे कि ये और भी खूबसूरत लगने लगा है। अब हमारे ऊपर का डिज़ाइन हो गया है, नीचे का डिज़ाइन बस बचा है। पहले मसाला मारकर पट्टी को रखकर अपने रिश्ते चला लेंगे। उसके बाद कोने के धार को भी बना लेंगे। पहले चारों तरफ को ऐसे ही नीचे वाला पहले प्लास्टर कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर ऊपर का करेंगे। फिर पट्टी को ऊपर में रखकर नीचे का भी नीचा मार लेंगे। इसके बाद फिर पट्टी को ऊपर में रखकर सामने का डिज़ाइन बना लेंगे। ये सामने से मेरा परछाई आ रहा है इसलिए हम आपको साइड से ये डिज़ाइन दिखा देते हैं। ये नीचे का डिज़ाइन आप जब भी बनाए दोस्तों तो पहले सामने का ही बना लीजिएगा क्योंकि सामने का अच्छे से सीधा दिखना चाहिए। इसके बाद इसको मिलाते हुए राइट साइड का भी बना लीजिएगा। अब हम पट्टी को धार के ऊपर रखेंगे और उसमें मसाला डालेंगे। मैं हमेशा डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। फिर पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर दबाते हुए चढ़ाएंगे जिससे कि नीचे का राउंड बन जाएगा। उसके बाद जो गाबड़ी आया हुआ है उसे करनी से भर लेंगे। उसके बाद फिर एक बार पट्टी चला लेंगे तो ये फिनिशिंग हो जाएगा। इसके बाद स्केल पट्टी को इसी के ऊपर पट रख कर इसमें फिर से मसाला डालेंगे। उसके बाद फिर राउंडिंग जूसा पकड़ कर पट्टी के बराबर जूसा को चलाएंगे जिससे कि इधर का अंदर राउंड हो जाएगा। उसके बाद स्केल पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर के हिस्से को दबाएंगे जिससे कि हमारे डिज़ाइन तैयार हो जाएगा।
इसके कोने को बनाने के लिए पट्टी को इधर रखकर रॉलर से चलाएंगे, फिर पट्टी को इस तरफ रखकर रंगे से चलाएंगे तो ये ऊपर फिनिशिंग हो जाएगा। उसके बाद कोने में जो गाबड़ी आया है उसे मसाला से भर देंगे। उसके बाद फिर पट्टी को पकड़कर इधर से ऊपर चढ़ाएंगे, फिर इधर से ऊपर चढ़ाएंगे तो ये धार अच्छे से बन जाएगा। जैसे ये हमने नीचे का बनाया है वैसे ही चारों तरफ का बना लेंगे। इसके बाद इसे फिनिशिंग करने के लिए पहले सीमेंट शीट लेंगे। मैं हमेशा फिनिशिंग करने के लिए सीमेंट और घोल का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो ऐसा घोल वाला फिनिशिंग कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। बर्फ से पतला घोल लेंगे और जो सीमेंट सीते हैं डिजाइन में उसी में पतला घोल एक बार और चढ़ा देंगे। चारों तरफ घोल चढ़ाने के बाद छोटे करने से फिर एक बार फिनिशिंग कर देंगे और जो अंदर राउंड है उसे राउंडिंग फंडे से फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर करने से फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद जो ओभर वाला राउंड है ना उसे एक बार झिल्ली को पानी में डुबो कर वहाँ पर झिल्ली से फिनिशिंग कर लेंगे तो हमारा तुहिचा तैयार हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही नए नए डिजाइन के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ये वीडियो देखा।